विश्वास है कि अपना बयान वापस ले मंत्री जी, और इस बयान को वापस लेने के बाद हमारी गरीब आंगनबाड़ियों से माफी मांगे। नमस्कार, आंगनबाड़ी कर्मी हाइका गुरुत्वपूर्ण विजिले सकल के स्वागत जानसो। आंगनबाड़ी कर्मी हाइकार एक बिग आपडेट हाथ से इतिम्य महिला और शिशु विकास मंत्रालय मंत्री स्मृति ईरानी दुदिन पूर्वे एटी मंतव्य कर इतिम्य मंतव्य गोटे सोशल मीडिया खलकनी तुलिसे आंगनबाड़ी कर्मी सहायिकाक शोभित करते हताशग्रस्त कारण आंगनबाड़ी कर्मी अति कठोर परिश्रम निजर निजर दायित्व पालन करते कम माननी सेवा आगे इतना शुना केन्द्रीय मंत्रीगढ़ आसलते कि कैसे आंगनबाड़ी हर आंगनबाड़ी में एक घंटा ही काम कर रहे हैं ना। मैंने खुद आदेश दिया कि आपको आंगनबाड़ी छोड़ के और कोई काम नहीं करना है। जी 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 जब आपने वेतन नहीं है ऑनरेरियम मान उसी के हिसाब से दे रहे हैं एक घंटे के काम के लिए, है ना। नमस्ते। विभाग मंत्री इने मंत्र राज्य नेत्री किदरे दिले प्रतिक्रिया जाना हक। आंगनबाड़ी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सत्ताशाह एक हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो हमारी बाल विकास की मंत्री हैं अपने संसदीय क्षेत्र में जहाँ की वो सांसद है मौर्या वहाँ पे हमारी कुछ आंगनबाड़ी वर्कर बहने उन्हें ज्ञापन देने जाती है। उनका जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मैंने जो उनका बयान सुना हमारी पूरी उत्तर प्रदेश की वो स्वयं उत्तर प्रदेश से आती बहनों में भारी गुस्सा रोष प्रकट किया है और मैंने भी वो वीडियो कई बार सुना उसमें वो बयान दे रही हैं कि आंगनबाड़ी सिर्फ एक घंटे कार्य करती है उस एक घंटे कार्य का पैसा हमारी सरकार आंगनबाड़ी को देती है। महोदया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो एक घंटा हमारी बहनों को समय बताएं 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ताकि वो एक घंटे ही कार्य कर सकें। अदर कार्य जैसे बीएलओ आंगनबाड़ी टीकाकरण कितना मर गया कितना जिंदा तमाम ऐसे कार्य सरकार के हैं आज इंटर आंगनबाड़ी पति आई है उसका दे भत्ता कौन देगा। और बड़ा दुख का विषय है आप मंत्री जी जो बयान दी है कि दुनिया का इस कोरोना काल में आपकी सरकार ने हमारी आंगनबाड़ियों का उत्तर प्रदेश की 4.5 लाख वर्कर का वोट हड़प के आप मंत्री बनी है आंगनबाड़ी के वोट से बनी है। मुझे लगता है कि आप एक जमीनी नेता नहीं है इसी घमंड में जो आप सरकार एक मुहिम चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंगनबाड़ी जमीन से जुड़ी हुई वो महिला वहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आंगनबाड़ियां हमारी एक यशोदा माता है वही आप एक विभाग की मंत्री होने के बाद इन आंगनबाड़ियों को ओनली एक घंटे आप आकलन कर रही हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ खाली उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी नहीं पूरे भारत की आंगनबाड़ी बड़ा गुस्से में है। और आज मंत्री जी मैं कहना चाहूंगी इस गरीब कोरोना काल में आंगनबाड़ियों ने नौकरी की और आपकी सरकार ने उन्हें बाहर निकाल के फेंक दिया इसलिए पूरे भारत की पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी आपसे ये कहना चाहती है और ये बड़ा रोष है कि अपना बयान वापस ले मंत्री जी और इस बयान को वापस लेने के बाद हमारी गरीब आंगनबाड़ियों से माफी मांगे अन्यथा की स्थिति में ये आंगनबाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी। धन्यवाद। आंगनबाड़ी प्रति गुरुत्वपूर्ण खबर चैनल सब्सक्राइब कर रखक और वीडियो शेयर कर चैनल सपोर्ट कर आशा रखिल। धन्यवाद। जय।